सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। स्टार्टिंग में जो आप प्रीव्यू देखे, कुछ इस टाइप की वीडियो एडिट करने के लिए भेने आपका जरूरत पड़ेगा, और मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। और इस वीडियो में जितने मटेरियल यूज़ होगा सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, तो आप वहाँ से आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइस चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सअप का प्रोफाइल स्क्रीनशॉट ले लेना है। ओके, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको वीएनए ऐप ओपन कर लेना है। ओके, उसके बाद आपको प्लस नीचे पे प्लस आइकन पे क्लिक करना है। ओके, और यहाँ से आपको न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है। और यहाँ से आपको क्या करना है, एक 4 सेकेंड का वीडियो मिलेगा, ठीक है, उसको ऐड कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ फ़ोटो पर क्लिक करना है। ओके, फ़ोटो पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से आपको क्या करना है, व्हाट्सअप का जो स्क्रीनशॉट लिए हैं सिंपली वो वाला ऐड कर लेंगे। ओके, फिर से आपको यहाँ वीडियो का ऑप्शन दिख जा रहा है, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। और यहाँ से सिर्फ आपको इंस्टा और फेसबुक का वीडियो मिलेगा, ठीक है, इसको ऐड कर लेंगे। फिर से आपको यहाँ फ़ोटो पे क्लिक करना है। ओके, फ़ोटो पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, ये फेसबुक का स्क्रीनशॉट वाला फ़ोटो को ऐड कर लेंगे। ओके, फिर से आपको वीडियो पर चले जाना है, और यहाँ सिर्फ आपको इंस्टा का वीडियो देखने को मिल जाएगा, ठीक है, इसको ऐड कर लेंगे। और यहाँ से फिर से आपको फ़ोटो पे चले जाना है, और यहाँ से आपको सिर्फ इंस्टा का स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इस पर एरो पे क्लिक करना। ओके, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, ये साउंड का ऑप्शन दिख रहा है, सिंपली इस पर क्लिक करके ऑफ कर देंगे इसको, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये म्यूज़िक का लोगो पे क्लिक करना है, और यहाँ से आपको म्यूज़िक पे चले जाना है, और यहाँ से प्लस पे क्लिक करना है। उसके बाद एक्सपोर्ट फ्रॉम और वीडियो पे क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ से आपको एक टेम्पलेट सॉन्ग मिल जाएगा, ठीक है, इसको ऐड कर लेंगे, ठीक है। जैसे ऐड करोगे यहाँ पे आपको ओके का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, ठीक है, इसको ओके करोगे तो आपका म्यूज़िक बन जाएगा, ठीक है। मैं पहले से ओके बना के रखा हूँ ऑडियो, ठीक है, तो मैं यहाँ से ऐड कर लेता हूँ। ओके, जैसे यहाँ पर ऑडियो करोगे यहाँ पर आपको सही का टिक देखने को मिल जाता है, ठीक है। इसको इतना करने के बाद आपको क्या करना है, कुछ ऐसे दूंगी से ब्लॉक कर लेना। ओके, ब्लॉक करने के बाद आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में जो व्हाट्सअप फ़ोटो आ जाता है, ठीक है, इस पर क्लिक करके आपको क्या करना है, इसका ड्यूरेशन आपको यहाँ तक रख लेना। ओके, यहाँ देख सकते हो आपको 5.64 तक रख लेना। ओके, उसके बाद आपको तीसरे नंबर पे आ जाता है आपका फेसबुक का फ़ोटो, ठीक है, इस पर क्लिक करके आपको क्या करना है, आपको यहाँ तक रख लेना। ओके, देख सकते हो 6.95 तक रख लेना। ओके, और ये व्हाट्सअप का फ़ोटो मिल जाता है, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है, और इसका लेंथ आपको जहाँ तक सॉन्ग है वहाँ तक आपको ये इंस्टा का लेंथ रखना है। ओके, अब आपको क्या करना है, स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है, यहाँ पे आपको व्हाट्सअप का फ़ोटो मिल जाता है, ठीक है, इस पर क्लिक करके आपको एफएक्स पे चले जाना है, ठीक है। और यहाँ से आपको क्या करना है, ये जूम आउट का इफेक्ट लगा लेंगे, ठीक है, और इसका जो लेंथ रहेगा, ठीक है, इफेक्ट का आपको आगे तक रखना। ओके, ठीक है, और यहाँ पे आपको सही पे टिक कर देना है। फिर से आपको फेसबुक फ़ोटो पे आना है, ठीक है, आपको एफएक्स पे चले जाना है, और यहाँ से आपको ये जूम आउट वाले इफेक्ट को लगा लेंगे। ओके, फिर से आपको इंस्टा का फ़ोटो पे आएंगे, फिर एफएक्स पे चले जाना है, और यहाँ से आपको जूम आउट इफेक्ट को लगा लेंगे, ठीक है। फिर से आपको व्हाट्सअप फ़ोटो पे चले आना, ठीक है, स्टार्टिंग में आपको प्लस आइकन देखने को मिलता है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, इस पर क्लिक करके आपको क्या करना है, ये रूटेड वाले ऑप्शन लगा लेंगे। ओके, और यहाँ पे सही पर क्लिक कर देना। ओके, फिर आपको फेसबुक के फ़ोटो के आगे आपको प्लस आइकन देखने को मिलता है, इस पर क्लिक करके आपको रूटेड वाले इफेक्ट को लगा लेंगे, और थोड़ा सा इसका ड्यूरेशन को थोड़ा कम कर लेंगे, वैसे कुछ 30 या 38, ठीक है। फिर से आपको इंस्टा का स्क्रीनशॉट पे आएंगे, ठीक है, और प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से आपको फिर से रोटेट वाले लगा लेंगे, और इसका लेंथ आपको क्या करना है, ऐसे कुछ 50-25 तक रख लेना। ओके, और सही पे टिक कर देना। तो ये पूरी तरह से मेरा वीडियो बन चुका है, तो एक बार मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो इसको सेव करने के लिए आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करना। ओके, तो ये आपका गैलरी पे सेव हो जाएगा, ठीक है।